ऋषभ पंत का एम्पायर एंगर, जॉस बटलर की फाइटिंग फिंगर और लास्ट ओवर के हीट मोमेंट की एक एक तस्वीरें मिलेंगी आपको इस एक अकेले वीडियो में। और अंत में हम बात करेंगे दिल्ली की हार की असली वजह क्या रही। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का आंखों देखा हाल कुछ इस प्रकार है कि 19वां ओवर ललित ने बर्बाद कर दिया और पीठ दिखाकर पवीलियन की ओर लौट गए। उसके बाद आखिर के ओवर में दिल्ली को 36 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में जीत की सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी थी, पर पिक्चर तो अभी बाकी थी। राजस्थान पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी कि जीत तो बस अब हमारी है। संजू सैमसन ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल में उसी बॉलर को सौंप दी जिसने पूरे मैच में सबसे ज्यादा रन खाए हों। जी हां दोस्तों, आखिरी ओवर कर रहे थे मैकॉय, जिनकी पहली दो गेंदों में पॉवेल ने शानदार सिक्सर लगाकर दिल्ली की उम्मीदों को जगा दिया। अब तीसरी बॉल ऐसी थी जिसने पूरे मैदान में जंग का माहौल खड़ा कर दिया, राजस्थानी बालाओं को हैरान कर दिया। इस गेंद के बाद ही मैकॉय अपने शस्त्र डाल चुके थे। मैकॉय की तीसरी बॉल जो कि कमर से ऊपर थी, जिसमें पावेल ने सिक्सर जमा दिया, देखने से साफ लग रहा था कि यह नो बॉल है। संजू सैमसन को भी पता था कि यह बॉल नो दी जा सकती है, वो भी घबराए हुए से इधर उधर देख रहे थे। पर यह क्या फेयर डिलीवरी, ऐसा कैसे हो सकता है। दिल्ली का पूरा डगआउट मानो गुस्से में पागल हो गया हो। मैकॉय भी जानते थे कि किस्मत ने उन्हें 9 बॉल से बचा लिया। पूरा राजस्थान क्रॉस फिंगर लिए फेयर डिलीवरी दिए जाने पर ठंडी सांसें ले रहा था, पर अंपायर्स के इस डिसीजन पर तो हमारे ऋषभ पंत अभी बॉम्ब की तरह फटने वाले थे। संजू सैमसन की शैतानी हंसी दिल्ली वालों को चढ़ा रही थी। अब दिल्ली का पारा चढ़ चुका था, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बेवकूफ हैं क्या, साफ साफ नो बॉल थी। इसी बीच चहल ने कुलदीप को विरोध करने पर एक तमाचा भी जड़ दिया, पर ऋषभ तो डिसीजन ले चुके थे, या तो नो बॉल दो या फिर हम मैच का बहिष्कार कर देंगे। उन्होंने अपने बल्लेबाजों को वापस बुला लिया। दिल्ली के दोनों बल्लेबाज वापस लौटने लगे, पर एम्पायर ने पॉवेल को रोक कर चेतावनी दे डाली, यदि आप वापस गए तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। पर कप्तान तो जैसे मैच खेलना ही नहीं चाहते थे। तभी कोच ने ऋषभ को समझाने की कोशिश की, क्योंकि ऋषभ के इस रवैये पर टीम को आगे के मैचों के लिए निष्कासित भी किया जा सकता था, पर ऋषभ तो जैसे पानी पीना ही नहीं चाहते थे। इसी बीच वॉटसन ने ऋषभ को शांत किया। इसके बाद ऋषभ ने कोच को एम्पायर से बात करने के लिए ग्राउंड के अंदर भेजा, पर एम्पायर्स ने भी कोच की एक ना सुनी और उन्हें भगा दिया। तभी अचानक से जॉस बटलर के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा, वो भी इस जंग में कूद पड़े। उन्होंने ऋषभ के पास जाकर उन्हें गाली गलौज भी की और अकेले जाकर दिल्ली डगआउट के सामने अपनी ऑरेंज कैप दिखाकर रौब भी जताया। काफ़ी लंबे समय बाद मामला वापस अपनी पटरी पर लौट आया। आखिरकार पावेल को फेयर डिलीवरी के साथ ही बैटिंग करनी पड़ी, लेकिन तब तक पावेल अपना मोमेंटम खो चुके थे। 3 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता थी, पर अगली गेंद वीट हो गई और मैच राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम कर लिया और आखिरी बॉल पर पॉवेल आउट भी हो गए। ऋषभ पंत को हार का कड़वा घूट पीना पड़ा। मेरा मानना यह है कि दिल्ली 19वें ओवर में ही मैच हार चुकी थी, जब ललित ने पूरा ओवर बर्बाद कर दिया। आप इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर क्या सोचते हैं, कौन सही है और कौन गलत, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।